नमस्कार दोस्तों, यह है आपका डिब्रू और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बाढ़ के चपेट में आने वाले कुछ गांव के नज़ारा। चाबुआ में भारी बारिश से कई गांव बाढ़ के चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और डिब्रू नदी का जलस्तर बढ़ने से चाबुआ के कई गांव बाढ़ के चपेट में आ गई है। चाबुआ राजस्व चक्र के अधीन चारीसूती, कारमी, ददिया, लाइका आदि गांव बाढ़ के चपेट में आ गई है। कुछ दिन धूप होने के बाद लोगों को राहत मिला ही था कि फिर से बाढ़ आने के कारण इन गांवों में बसे लोगों का हालत बद से बदतर हो गई है। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रही है। मालूम हो कि इन गांवों को ब्रह्मपुत्र व डिब्रू नदी ने घेर रखा है। अगर इसी तरह लगातार कुछ दिन तक बारिश होती है तो स्थिति और भयावह हो सकती है। देख सकते हैं आप, दूर दूर तक से पानी ही पानी और पानी के बीच ये जो चांगढ़ दिखाई दे रहा है, इसमें लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ रह रहे हैं। खाने पीने की अभाव भी है। नाव के जरिए आदमी को एक दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो नाव से 2 से 3 घंटा के जो सफ़र है उसको तय करके तिनसुकिया गुजन घाट तक आना पड़ता है। ये देख सकते हैं इसका नज़ारा। कुछ महीने पहले भी इस तरह की बाढ़ के चपेट में आने से आदमी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। ये देखिए कितने सारे घर पानी के बीच, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है आपको। ये जो इलाका है ये आपके डिब्रू सैकिया नेशनल पार्क के अधीन भी आता है।